महास्वच्छता अभियान 2.0 के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में भी स्वच्छता अभियान जोरों पर है। नियमित तौर पर होने वाली रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन कोच की सफाई के साथ ही परिसर को भी स्वच्छ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से स्टेशनों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ सफर करने वाले लाखों यात्री एक बदलाव देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब यात्री भी गंदगी करने एवं यहाँ वहाँ कचरा फेंकने से परहेज करते हैं। कभी गंदगी से पटी रहने वाली पटरियां भी अब सतत सफाई के कारण पूरी तरह से स्वच्छ नजर आती है। स्वच्छता मिशन के आधार पर आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म आज काफी साफ है। रेलवे ट्रैक पर खुले में शौच नहीं हो रही है, कोचेज में सफाई है और टॉयलेट पे सफाई का व्यापक ध्यान दिया जा रहा है, जिसका प्रभाव ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। हमारे लिए अब जरूरी ये हो गया है कि हम स्वच्छता को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे जीवन पर इसके व्यापक प्रभाव पड़े, बीमारियां कम हों। और इसके साथ सबसे ज़्यादा जरूरी ये रह गया है कि हम इस चीज़ को न केवल अपने व्यक्तिगत तौर पर वरन हम इसे सामूहिक तौर पर लाएं, जिससे कि हमारा मोहल्ला, हमारा देश और हमारा रेलवे यात्रा सुखदमय और सुविधापूर्ण हो। मैं पहली बार इधर आया हूँ, लेकिन साफ सफाई इधर सही है और होनी भी चाहिए इसी तरह। और देखने में तो इधर जगह जगह भी सफाई हो रही है और जहाँ देखो वहीं पे भी गंदगी ना है। नहीं, ट्रेन में तो सही है, साफ सफाई अच्छी है, जगह भी सही है, उधर बैठने के लिए भी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। सर पहले की अपेक्षा भी बहुत है, मेरे को 5 साल ट्रेवल करते इधर हो गया, बीच बीच में आता जाता रहता हूँ, तो पहले की अपेक्षा अभी बीच में आया था तो ये तो बंद था, फिलहाल अभी तो जब आया हूँ देखने में साफ सफाई अच्छी लग रही है। 2014 से शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन का असर रेलवे स्टेशन पर देखने को नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो पहले की तस्वीर हुआ करती थी, जो गंदे रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, वो सब अब स्वच्छ हो गए हैं। और उसी के बाद अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लाया गया है, इसके तहत इसे और ज़्यादा जो स्वच्छता है उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और वही प्रयास जो है वो यहाँ पर स्टेशन पर नजर भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश भोयर के साथ दीपक जैन, DD News भोपाल।